and good morning. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Zabi ji. Thank you. अरे यार आपको तो सुनना एक एक अच्छे अच्छे दिन गुजरने के बराबर है, जबरदस्त। आप तो कैलकुलेशन में भी माहिर हैं बहुत, कैलकुलेशन भी आपके बहुत शानदार हैं। इमोशन तो आप हो ही, आप जब बोलते हो तो सीधा दिल से बोलते हो, दिल पे ही लगती है आदमी के, तो ग्रेट सर। आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बोला कि एक मिनट में सरप्राइज करें, तो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर शिवबाबू शर्मा, राजस्थान गवर्नमेंट से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हूँ। और जब ये बिजनेस मेरे पास आया था तो मुझे एक डेढ़ साल रिटायर हुए हो गए थे, और मैं रिटायर्ड पर्सन था। आप सोच सकते हैं आपके घरों में रिटायर्ड पर्सन, आपके फादर होंगे, आपके अंकल होंगे, आपके जो भी होंगे, ऐसी स्थिति में था। और मैं जिंदगी भर चूंकि एक्टिव रहा, तो मेरी बड़ी समस्या ये थी कि सुबह चाय पी लेना, नाश्ता कर लेना, लंच कर लेना, डिनर कर लेना, ये सब मुझे बहुत बोर कर रहा था। और मैं इस प्लानिंग में था कि मैं अपना करियर लगा के बैठ जाऊं। बच्चे मेरे को जिद कर रहे थे कि आपने इतना नाम कमाया, आप तो जैसे रूटीन में क्लिनिक लगाते हैं लोग, डॉक्टर लोग, वैसे क्लिनिक लगा के बैठो इतने। चूंकि मुझे नेटवर्क का चस्का पहले लग चुका था, मैं एमबीए में सिल्वर रहा, मैं फॉरएवर में मैनेजर हुआ 3 महीने में, तो मुझे नेटवर्किंग की ताकत पता थी। पर नौकरी की मजबूरियों की वजह से, कुछ ट्रांसफरों की वजह से मैं सब उससे अलग हो गया। अब कुशवाहा जी 29 नवंबर की रात में धौलपुर से चल के मेरे पास जयपुर आए, और रात को 9:30-10 बजे का टाइम था, और नवंबर एंड की रात थी। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। इन्होंने क्या किया, अच्छा मैं चाइना विरोधी था 10-15 साल पहले से, तो मुझे जैसे ही पता लगा कि चाइना बेस्ड है, मैंने कहा यार आप अपना समय और मेरा समय दोनों का क्यों खराब कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की परसोत्तम जी इनके साथ थे, पर इन्होंने अच्छा काम ये किया कि मुझे 5 मिनट BCM पे चढ़ा दिया। बस वो जो 5 मिनट थे उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी सारी डॉक्टरी एक साइड हो गई, और मैं ये सोचने लगा कि ये स्पाइरल खून कैसे घूम सकता है, ब्लड सर्कुलेशन स्पाइर कैसे हो सकता है, और वो जो हो रहा था वो दिख रहा था, तो उसको डिनाई भी नहीं कर सकते आप, और हो भी रहा है। थैंक यू सर। तो वो जो 5 मिनट थे, उस 5 मिनट ने मेरा जो एग्रेशन था चाइना विरोध का और सब चीजें, वो सब मेरा हल्का कर दिया, और मैं जिंदगी भर एक्सरसाइज के प्रति लापरवाह रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जीवन में कभी घूमने नहीं गया, क्योंकि हम 8 बजे हॉस्पिटल जाया करते थे, 6 बजे सो के उठते, अब कब घूमने जाए, तो वो दिनचर्या में कभी सेट ही नहीं हुआ। तो हमने तो ये समझा मैंने कि यार अपनी जिंदगी तो अच्छी हो ही जाएगी, किसी को हो ना हो, तो हमने तुरंत BCM ले ली और ये सब सारे इक्विपमेंट ले लिए, और हम शुरू हो गए। 3 महीने लगे हमें इसमें कि कहीं अपनी फेस वैल्यू ना खो दें, तो 3 महीने हमने तैयारी की, पूरा कंपनी को जाना, प्रोडक्ट को जाना, सारे सिस्टम को जाना, और जिस दिन ये देख लिया उसके बाद कभी लौट के नहीं देखा कभी। उसके बाद मैं आपको बताऊं सफी जी और लीडर्स, मैंने अभी इलाहाबाद में काम शुरू किया, तो मेरी वो जो लैग है वो 6 स्टार के आसपास, अचानक वो नेगेटिव हो गई। पहले वो MBA की थी, और MBA के लीडर उससे चिपक गए, और उन्होंने उनको ज्ञान दे दिया, तो उन्होंने फोन पे मुझे बोला कि साहब ऐसा है, अब भले आप यहाँ से हमारी तरफ से तो मुक्त हो, आप भले राजस्थान जा सकते। तो मैंने उसको बोला, वो डॉक्टर हैं सोनोग्राफी के, और अच्छे डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज में, मैंने उनको बोला यार मैंने यहाँ आने का डिसीजन आपसे पूछ के नहीं लिया था, और जब मैं निर्णय ले लेता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, फिर आपकी इच्छा हो करो, आपकी इच्छा मत करो, लेकिन मैं तो आपको यहाँ बिजनेस खड़ा करके बताऊंगा, और ये करके मैं यहाँ आ गया। फिर मैंने अभी वो आए, फिर उनकी आंखों में जो देखा, वो एकदम घबराए हुए से थे, यार ये आदमी आफत है, 1000 किलोमीटर आगे है, और यो करें आप करो या मत करो, मैं तो करके बताऊं। तो इस तरह से फिर हमने कभी लौट के नहीं देखा, और आज उस निर्णय पर हमें गर्व है, और आज हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करने की स्टेज पे आ रहे हैं।
आ जाएंगे और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। 2 लाख 8 हो चुकी है, 2 7 हो चुकी है, वो भी जल्दी 8 हो जाएंगी और जल्दी गोल्ड लाइन हो जाएंगे। तो सर सफी जी जैसे जो लोग हैं, कुशवाहा जी जैसी अपलाइन है और पांडे जी जैसे इंस्पिरेशन है, ऐसे ऐसे लोग जिस बिजनेस में हो उसमें भी आपको सफल नहीं हो तो उसका दुर्भाग्य है। कंपनी को तो बहुत मिल जाएंगे हम जैसे, लेकिन हमको कंपनी नहीं मिलेगी। तो थैंक यू सभी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।